फॉर यू पी टी जी टी पी जी टी मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर है हमारा 11। ठीक है, तो ये डायनेमिक्स में अभी भी कुछ यानी कि फोर्सेस एंड एक्सीलरेशन पे कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन थे तो उनको करा दे रहे हैं। जैसे कि है एक कण विराम से चलना प्रारंभ करता है, एक कण विराम से चलना प्रारंभ करता है यानी यू बराबर जीरो से समान त्वरण से चलकर 10वें सेकंड में 114 मीटर चलता है। कण का त्वरण ज्ञात करो, यानी कि त्वरण फाइंड करना है 10वें सेकंड में चली दूरी बराबर 114 मीटर है, यानी कि u प्लस हाफ एफ टू टी माइनस वन इक्वल टू 114। विराम से चल रहा है टू 10वें सेकंड है, t इक्वल टू 10 हो जाएगा एंड f फाइंडिंग करना है 20 माइनस वन इक्वल टू 149 यानी 19/2 एफ इक्वल टू 114 एंड एफ इक्वल टू 2 × 114/19। इससे डिवाइडिंग कर सकते हैं, 19 6 बार जाएगा 2 × 6 इक्वल टू यानी एफ इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब वही त्वरण आ गया है एफ 12 मीटर बाई सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कण का प्रारंभिक वेग यानी कि u इक्वल टू है 20 मीटर बाई सेकंड, त्वरण है 5 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर से चलना प्रारंभ करता है। ज्ञात कीजिए कि वह अपने पाँचवें सेकंड यानी कि t इक्वल टू 5 बाई सेकंड है में कितनी दूरी तय करेगा। s इक्वल टू होगा u प्लस का हाफ f 2t माइनस का 1, u दिया है 20 प्लस का हाफ f 5 2 इंटू 5 माइनस का 1, पाँचवें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो यह यहां से हम निकाल सकते हैं, तो 20 प्लस का 5 बाई 2 इंटू 10 माइनस का 1 यानी कि 20 प्लस का 5 बाई 2 इंटू 9। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये होगा 45/2 इंक 2 एलसीएम ले लिया, 40 प्लस का 45 यानी कि 85/2 42.5 मीटर की दूरी तय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक पिंड समान वेग से 3 सेकंड में 81 सेमी चलता है, 3 सेकंड में t इक्वल टू 3 सेकंड एंड s इक्वल टू 81 सेंटीमीटर चलता है, तत्पश्चात त्वरण शून्य हो जाता है। उसके बाद जो है त्वरण शून्य हो जाता है तो अगली 3 सेकंडों में वह 72 सेमी चलता है, तो आदि वेग और त्वरण ज्ञात करो। यानी कि आदि वेग यानी स्टार्टिंग का वेग, देखिएगा यहाँ पे कंडीशंस ये रही होगी, कण स्टार्टिंग से चला हुआ एक पिंड एक समान त्वरण से 3 सेकंड में 81 चला, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 3 सेकंड था और ये 81 सेंटीमीटर चला, इनिशियली वेग इसका फाइंड करना है। ठीक है, तत्पश्चात यहाँ पे कुछ त्वरण रहा होगा, तत्पश्चात त्वरण शून्य हो जाता है, यहाँ पे त्वरण शून्य हो गया यानी कि वो रुक गया, तत्पश्चात त्वरण शून्य हो जाता है। अब की बात आती है तथा अगले तीन सेकंडों में फिर आगे की ओर चलना प्रारंभ किया होगा, अगले 3 सेकंडों में वह 72 सेंटीमीटर चल रहा है, आदि वेग यानी स्टार्टिंग वेग इनिशियल वेलोसिटी एंड त्वरण फाइंड करना है, यू फाइंड करना है और त्वरण एफ फाइंड करना है। ठीक है, अब ए से बी के लिए पहले ले लेंगे। त्वरण शून्य हुआ यानी कि एक्सीलरेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, त्वरण शून्य हुआ यानी कि त्वरण शून्य होने पर स्पीड इक्वल हो जाएगी यानी कि एक समान वेग हो जाएगा। ठीक है, त्वरण शून्य कब होगा, त्वरण कब दिया जाता है यानी कि किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाई जाती है तो त्वरण हो रहा है, घटाई जाती है तो रिटार्डेशन यानी मंदन हो रहा है। तो त्वरण शून्य तब हुआ है कि स्पीड एक समान होगी, एक समान स्पीड पकड़ गया तो एक समान स्पीड से आगे की ओर चला है। मान लें यहाँ पे स्पीड बी हो गया तो यहाँ पे भी बी है, एक समान चाल या स्पीड से वो चल रहा है आगे की ओर, बी से सी तक एक समान तक चला है। ठीक है, तो त्वरण फाइंड करना है कि यहाँ पे जो है त्वरण क्या था। ठीक है, तो एक समान चाल से चला तो वहाँ पे पहले चाल भी निकालना पड़ेगा, किस चाल से वो आगे की ओर चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय लग जाएगा। तो
उससे हमको क्या मिल सकता है? यहाँ पे हम लगा सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमको मिलेगी बी, समान चाल से चल रहा है तो ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है इसमें, यानी कि बी यू कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। त्वरण शून्य है यानी एक समान चाल से चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूरी है 72, समय है 3, कैंसिल करें 3 × 6 और 3 × 12 ये आ गया इतने सेमी वाई सेकंड के एक समान त्वरण, एक समान वेग से चल रहा है, 24 सेमी वाई सेकंड का वेग जब त्वरण शून्य हुआ था। यहाँ पे यानी कि ए टू बी में अंतिम वेग आ चुका है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्टेंस दे रखा है, तो बी इक्वल टू होता है यू प्लस एफ टी। टाइम तो दिया है, इन लास्ट वेलोसिटी 24 आ गया, इनिशियल फाइंडिंग करना है, एफ जो है एफ एफ निकालना है, टाइम 3 सेकेंड है। अरे तो इसमें तो दो चीज़ें निकालने वाली हो गई, निकालनी भी यही दोनों हैं, तो अभी इससे बात नहीं बनेगा। एस का फॉर्मूला लगाएं, एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ एफ टी स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या तो एफ भी नहीं मालूम है, एफ भी नहीं मालूम है, एफ तो भाई पहले बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2fs, इससे बात बन जाए, बनेगा। अंतिम एक 24 है, 24 का होल ऑफ स्क्वायर यू फाइंड करना है। अरे अरे यही तो फंसाव क्वेश्चन है, और जहाँ में लगाएंगे वहाँ पे आता ही नहीं है, यू फाइंड करना, तो एफ भी तो लाओ। एफ त्वरण, त्वरण का नहीं मालूम हो रहा है, त्वरण बराबर चाल परिवर्तन बटे समय। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs इससे नहीं आ रहा है, बी इक्वल टू यू प्लस एफ टी से नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम पता है, तो एफ नहीं मालूम पता है, बी यू बी इक्वल टू यू यू नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा थोड़ा फंस रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ वाली में, तो दो दो इक्वेशन को कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। एस है 81, कहीं ना कहीं 576 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2 × 16 एफ, दो इक्वेशनों का कॉम्बिनेशन बना के कहीं ना कहीं सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे तो ये लगता है इनिशियली पहली बार में जब ट्राई करते हैं तो हो ही नहीं रहा है, हैं तो वहीं पे जो है क्वेश्चन छूटने लग जाता है, बस जब लगेगा कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, तो दोनों को रिप्लेसिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिप्लेसिंग करेंगे, और रिप्लेसिंग करके बाद बन जाएगी, ठीक है, तभी यानी यू एंड एफ निकल पाएगा। एक इक्वेशन नंबर 2 ये मान लेंगे, यहाँ से यू या एफ का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ऐसा करने से सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगा, यू एंड एफ दोनों अलग अलग निकल आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है, तो मतलब वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि उसको बार बार सोल्व करके देखा जाए, तो इनिशियली यानी कि एक दिमाग लगाएंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब नहीं होता तो और दिमाग डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। ये पुट इन वन तो 576, और जहाँ पे कैलकुलेशन आता हुआ क्वेश्चन भी कैलकुलेशन करने की वजह से छूट जाता है, लगता है अरे इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो उस तरह की कंडीशन हुआ करती है। इसको सॉल्विंग करेंगे, एफ फाइंड हो जाएगा, और एफ फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर देंगे तो यू भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एफ एंड यू इस क्वेश्चन का इस तरह से निकाला जा सकता है, तो टेक्निकली क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफ़ी आते रहते हैं और प्रॉब्लम में डालते रहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सिंपल है, सिंपल तो आता ही है, सिंपल तो आना है कि नहीं आना है, कभी कभी बात है आ जाए, कभी कभी ना आए, परंतु प्रॉब्लम में डालने वाले क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, एक दो क्वेश्चन इसमें और लगा देते हैं इस वीडियोस में। क्वेश्चन है, एक बिंदु एक समान त्वरण से चल रहा है, पी वे क्यू वे आर वे सेकेंड में दूरी एक्स वाई जेड है। एक बिंदु यानी कि पॉइंट है, एक समान त्वरण से चल रहा है, से चल रहा है, ठीक है, अपनी गति के पी वे क्यू वे एंड आर वे सेकेंडों में एक्स वाई एंड जेड चलता है। तो सिद्ध करना है यानी कि क्यू माइनस का आर इंटू एक्स प्लस का आर माइनस का पी इंटू वाई प्लस का पी माइनस का क्यू इंटू जेड इक्वल टू जीरो, ये हमको
प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ दैट क्यू माइनस का आर इंटू एक्स, आर माइनस का पी इंटू वाई, प्लस का पी माइनस का क्यू इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिएगा करना क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है, पी वे सेकंड में चली दूरी, एक्स इक्वल टू पी वे सेकंड में चली दूरी, यानी कि यू प्लस का हाफ एफ टू पी माइनस वन। वाई है क्यू वे सेकंड में चली दूरी, यानी यू प्लस का हाफ एफ टू क्यू माइनस का वन। एंड जेड है आर वे सेकंड में चली दूरी, यानी कि u प्लस का हाफ एफ टू आर माइनस का वन। इस तरह से ये तीन इक्वेशन x, y, z के टर्म में बन जा रही हैं। अब x, y, z के मानों को इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, q माइनस आर में इसमें x, y, z की वैल्यू पुट कर देंगे अगर, यानी कि q माइनस का r इंटू एक्स का वैल्यू रख देंगे, u प्लस का वन वाई टू एफ टू पी माइनस का वन, प्लस का r माइनस का p इंटू वाई का वैल्यू रख देंगे, u प्लस का वन वाई टू एफ टू क्यू माइनस का वन, एंड p माइनस का q इंटू जेड का वैल्यू रख देंगे, u प्लस का वन वाई टू एफ टू आर माइनस का वन। इस तरह से रख के वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आंसर जीरो आ जाता है। कैलकुलेशन छोड़ा गया है, ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेशन, यानी मल्टीप्लाइंग ही करना है, मल्टीप्लाइंग करके इसका आंसर निकल आता है।